हेलो गाइज, आज हम बनाएंगे मेथी और आम की खट्टी मीठी सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए मेथी और आम की खट्टी मीठी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की सब्जी बनाने के लिए इसके लिए हमने आधा कप मेथी को रात भर 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, तो बढ़िया तरह से भी। अब अच्छे से वॉश करके हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे, जिससे इसका कड़वापन चला जाएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डाल देंगे, जिसमें इससे कड़वापन नहीं रहेगा। 5 से 4 सीटी लगने तक हम इसे बॉईल होने देंगे। इस तरह से ये बढ़िया तरह से बॉईल हो गई है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच, और इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए इसके जो छिकल होते हैं वो निकल जाएंगे और इसका मेथी का कड़वापन भी निकल जाएगा। अब हम इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये मेथी के छिकल बढ़िया तरह से निकल जाएंगे। इस पानी को हम निकाल देंगे। ये हमारी एक कटोरी हो गया मेथी दाना बॉईल की हुई। इसके लिए हमने 4 से 5 कच्चे आम को छीलकर इस तरह से कट कर लिया है, छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और इस तरह से आधा कटोरी लेंगे हम गुड़। ऑयल गर्म होने पर उसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे जीरा, आधा चम्मच डालेंगे सौंफ, और थोड़ा ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। और 1 पिंच डालेंगे इसमें हींग, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, और ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेंगे। तो बढ़िया तरह से ब्राउन कलर आ गया है। डालेंगे कुछ मसाले, तो 1/4 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। मिनट के लिए लो फ्लेम पर मसाले को पकने देंगे। मसाला बढ़िया तरह से पक गया है। अब हम इसमें कच्चे आम डाल देंगे इस तरह से, और मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 1 कटोरी मेथी दाना। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम मेथी और आम को अच्छे से पकने देंगे। जब तक हमारे आम अच्छे से पक नहीं जाते, तब तक हम इसे उबलने देंगे लो फ्लेम पर। तो 5 से 7 मिनट के बाद हमारी इस तरह से सब्जी पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी गुड़, और 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे गुड़ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी सब्जी बनके तैयार है, आम और मेथी की खट्टी मीठी सब्जी। तो आप भी एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।